कहा था ना ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर सबसे पहले आप लोगों को अपडेट करने की रिजल्ट को लेकर यहाँ पे बड़ी कुछ खबरी आ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलुरु की, और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मैं भी एक कैंडिडेट का खोल के दिखाता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर खोलूंगा और यहाँ पे आप लोगों का DOB यहाँ पे डालता हूँ मैं एक कैंडिडेट का। तो एक कैंडिडेट को लेकर ये वाला ऑप्शन लास्ट हुआ था, इसको क्लिक करना है और इसमें भी इस तरह का इंटरफेस आज फाइनली दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 को लेके, और मैंने आप लोगों से बोला था, कहा था ना ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर सबसे पहले आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अब भी आप लोगों ने RRB की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आप लोगों का रिजल्ट को लेकर यहाँ पे बड़ी कुछ खबरी आ चुकी है। साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर अब ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर आप लोगों को बताऊंगा, हमारा एग्जाम 11 अक्टूबर को खत्म होने के बाद में 11 नवंबर निकल गए हैं और आज 11 दिसंबर भी आने वाला ही है कुछ, यानी कि लगभग देखा जाए तो 2 मंथ होने को आ रहे थे, पर आप लोगों को फाइनली यहाँ पे जैसे रेलवे ने बोला था दिसंबर में 2022 को रिजल्ट जारी कर देंगे, वैसा ही यहाँ पे आप लोगों का होने को आया है। और साथ ही आप लोगों को बताना चाहूंगा ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर मैं आप लोगों को ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर चलता हूँ और ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर हम लोग देखते हैं। मैंने किसी कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर लिया है, किसी कैंडिडेट का मैंने रोल नंबर ले चुका हूँ। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आप लोगों को RRB बेंगलुरु लिखना है, यहाँ पे आप लोगों को RRB बेंगलुरु लिखना है, इसको सर्च मार देना है। सर्च मारने के बाद में आप लोगों को नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करके ये वाली ऑफिशियली वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करना है। हाँ, ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलुरु की, और नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर रोल नंबर डालना है, नीचे जाना है। ये वाला आप लोगों का RRC नोटिफिकेशन नंबर 01/2019 Level 1 पोस्ट 7th CPC, इसके नीचे ये वाला क्लिक करना है आप लोगों को, क्लिक हेयर टू रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर ये वाला नहीं, आप लोगों को नीचे वाला क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे लास्ट आप लोगों को यहाँ पे कितना तारीख का एक लिंक है, यहाँ पे आप लोगों को इस लिंक को क्लिक करना है क्योंकि ग्रुप डी का यही एक लिंक था। दोस्तों मैं जो भी जानकारी बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक दिखेगा और इस लिंक को मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ, इस लिंक को आप लोग देख पा रहे होंगे 13 अक्टूबर 2022 का, इस लिंक के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है, यानी कि क्लिक हेयर लिख रहा है ना, ये क्लिक हेयर लिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मैं भी एक कैंडिडेट का खोल के दिखाता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर खोलूंगा और यहाँ पे आप लोगों का DOB यहाँ पे डालता हूँ मैं एक कैंडिडेट का। तो एक कैंडिडेट के रोल नंबर डालता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो एक कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर डालता हूँ मैं, तो कितने आप लोगों के यहाँ पे रोल नंबर डाल लेता हूँ मैं, 12 6 0 और आप लोगों के 5 1 6 7 7 5 0, ये मैंने रोल नंबर डाल दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिए और साथ ही इनका यहाँ पे DOB डाल देता हूँ मैं। DOB डालने के बाद में आप लोग नीचे देखोगे यहाँ पे रिजल्ट को लेकर कुछ 20 और आप लोगों का इनका 05 और इनका DOB 1994, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों आप लोगों के सामने डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 1900 आप लोगों का 94 ये रहा। इसको जैसे आप लोगों को यहाँ पे डालने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, सिंपल इसको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस लॉगिन पे ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने तो एक लिंक आ जाएगा, इस तरह का आप लोग लिंक आ जाएगा और ये लिंक में क्या लिख रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे, लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये वाले लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आप लोग देख पा रहे होंगे, डेट एक्सपायर्ड लिखा जाएगा नीचे। यहाँ पे आप लोग देखो ये डेट एक्सपायर्ड लिखा गया, ये डेट एक्सपायर्ड लिखा गया ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेट एक्सपायर्ड ये लिखा आ चुका है, और यानी कि आप लोगों का ग्रुप डी रिजल्ट जैसा रेलवे ने बोला था यहाँ पर कि हम यहाँ पे दिसंबर के 1st वीक में जारी करने को बोला था, वैसा ही होने को आ रहा है। और ये एक ही साइट के ऊपर नहीं हो रहा, ये आप लोग सोच रहे हो RRB बेंगलोर के ऊपर हो रहा है, ये कई वेबसाइट के ऊपर होना चाह रहा है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा RRB, आप लोग यहाँ पे चेन्नई डालने के बाद में आप लोगों को चेन्नई की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है RRB, तो ये चेन्नई की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाओगे यहाँ पर तो क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में आप लोगों को ये वाले इंटरफेस पे आ जाना है, यहाँ पर ये ग्रुप डी के वाले इंटरफेस पे आ जाना है, इस तरह के इंटरफेस पे आना है और यहाँ पे आप लोगों को क्या लिख रखा है ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर ऑब्जेक्शन जो लास्ट हुआ था उसके ऊपर क्लिक करना है आप लोगों को, ये वाला लास्ट हुआ था हमारा ये ऑब्जेक्शन रेज को लेके, तो इसको क्लिक करना है आप लोगों को। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ना, ये लास्ट ये वाला हमारा हुआ था,
आंसर की को लेकर ये वाला ऑप्शन लास्ट हुआ था, इसको क्लिक करना है और इसमें भी इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप लोग यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, और आप लोगों को लॉगिन पर क्लिक करना। इसमें भी आप लोगों को लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली दिखाएगा, जैसे अब अभी दिखा रहा था ना लिंक अवेलेबल शॉर्टली, वैसा ही दिखाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का लिंक दिखाएगा, ये वाला लिंक आप लोगों को दिखाएगा लिंक अवेलेबल शॉर्टली। तो जैसे कि और ये आप लोगों को आरआरबी बेंगलोर की वेबसाइट को भी, आरआरबी यहाँ पे भोपाल की वेबसाइट को भी खोल के देख लेना, कोई सी वेबसाइट को खोल लेना, आप लोगों को लिंक विल बी अवेलेबल शॉर्टली दिखाएगा, यानी कि आप लोगों को ग्रुप डी रिजल्ट यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है और ये कल तक आप लोगों को अपडेट होने को लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं अपडेट करने से पहले क्रैश नहीं हो जाए इस तरह के, क्योंकि लाखों विद्यार्थी यहाँ पे एक साथ रिजल्ट चेक करते हैं। इसलिए जैसे अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं जल्दी एक अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।